आज मैं आपको बताने लगी हूँ चिकन जिंजर विद वेजिटेबल्स अलोंग विद अदहन के राइस एंड सैलेड। आज की डिश बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उनमें बोनलेस चिकन है सबसे पहले, जो इसको के हमने स्क्वायर क्यूब्स में काट लिया है, और वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स आप देख रहे होंगे इसमें। मेरे पास पर्पल कलर के अनियंस थे, प्याज थे, वो मैंने तकरीबन 2 बड़े प्याज काट लिए हैं स्क्वायर शेप में। शिमला मिर्चे कलरफुल रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड ब्रोकली। और उसके अलावा मसाले जो हमें चाहिए हैं, मसालों में जाहिर है सॉल्ट हस्बे जायका है। चिकन मैंने तकरीबन 1 kg बोनलेस ली है तो मैं अंदाजे से ही सॉल्ट ऐड करूंगी। ऑयल चाहिए है हमें, काली मिर्ची पाउडर फॉर्म में, चिली गार्लिक सॉस तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है, और ये कुटी हुई मिर्चे हैं, दही है, 1 प्याज कटा हुआ आमलेट की तरह से, और ये सराचा सॉस है, और जुलियन कट अदरक है। ये सब चीजें हमें आज की डिश बनाने के लिए चाहिए है। चूल्हे को आपको मीडियम हीट पे रख के और शुरू में तेल गरम करना है, तो हम तेल ऐड कर रहे हैं तकरीबन ये 1/2 कप ऑयल होना चाहिए, कुकिंग ऑयल, मैं कनोला ऑयल यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये ऑयल हमने डाल दिया। उसके बाद हम इमीडिएटली इसमें डालते हैं अनियन, जो 1 अनियन मैंने काट के रखा था वो अनियन है। इसी के साथ हमने 1/2 ऑफ द जिंजर जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून कटे हुए जिंजर है, और ये 1/2 हमने इसमें डाल दिया है, जो कि अभी अनियन के साथ साथ ही फ्राई हो जाएगा। जबकि चिकन हमारा अभी थोड़ा फ्राई हो रहा है, मीन वाइल हम जो है तमाम जो सब्जियां हमने काट के रखी हुई हैं उनको जल्दी जल्दी झटपट सौते कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड किया है, 1 टेबल स्पून के जितना। हर सब्जी को हम अलग अलग करके सौते कर लेंगे। जिस तरह के हमने शिमला मिर्च को, ऑरेंज शिमला मिर्च को सौते करने के लिए रखा है, इसको तेज आंच में बस थोड़ी देर को सौते करना है। इसको जो भी वेजिटेबल्स आप सौते कर रही हैं, तेज आंच में बस 5-5 मिनट के लिए सौते कर लेना है। शुरू करें। ये आप देखें तकरीबन चिकन जो है भुना जा चुका है, उसका कलर भी चेंज हो गया और इसका पानी भी सूख गया है। तो अब हम इसमें जो हमने इस दौरान में सब्जियां सौते कर ली हैं वो ऐसे करके ऐड करेंगे। ये ब्रोकली मैंने सौते की हुई, आप देख रहे हैं ज्यादा नहीं किया हुआ है, थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं सारी, ये एक एक करके सब हम डालते जाएंगे। पहले सब्जियां डालेंगे, ठीक है, और साथ ही हम जो हमारे मसाले हैं इसमें हमारे काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून था, ये डाल दिया हमने। ये मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना डाल रही हूँ अंदाजे से। अभी मैं मिक्स करके अंदाजा कर लूंगी, अगर चाहिए होगा तो हम ऐड कर सकते हैं। और इसमें नमक भी हम अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है, तो ये है। और फिर इसमें हम डालेंगे हमारा चिली गार्लिक सॉस, ठीक है।
बहुत अच्छा है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें सब्जियां काफी खड़ी खड़ी हैं और ये जो है तकरीबन सब चीजें जा चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा नमक, इतनी सब्जियां हमने ऐड की, सब्जियां जब सौते की हैं तो हमने उसमें कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, बस एक एक टेबलस्पून ऑयल में उनको सौते किया, तो हम थोड़ा सा इसका नमक चख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नमक इसका बैलेंस है, जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम और डाल देंगे अगर जरूरत हुई। और दूसरी बात यह है कि ये मिर्चें जो हैं ये मुझे और डालनी पड़ेगी, सराचा सॉस था ये जो मैंने ऐड किया है फर्दर, जो मैंने पहले बचा लिया था, और टेस्ट चेक करने के बाद पता लग रहा है कि इसमें हम और थोड़ा सा डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा तकरीबन हाफ कप के जितना पानी डाल के और ढक देंगे ताकि ये थोड़ी सी सब्जियां कुक हो जाए अच्छे से, थोड़ी बहुत कच्ची ना रह जाए। ये आप देखें ऑलमोस्ट 15 मिनट मैंने इसको चूल्हे पे ढक के छोड़ दिया था। जैसा कि मैंने बताया था आधा कप के करीब पानी ऐड करके और इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसका ढकना खोल रही हूँ, आपको देखने में आएगा कि ये देखें ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है माशाल्लाह से। सब्जियां भी आपको नजर आ रही है बिल्कुल खड़ी खड़ी है और चिकन की जो बोनलेस चिकन थी तो वो भी आप देखें कि बोटियां जैसी मैंने डाली थी वैसी ही है, कोई टूटी नहीं है और सब्जियां भी खिली खिली हैं। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये तैयार है। ठीक है, और इसमें हम जो है आखिर में ऊपर से, चाहे आप डिश आउट करने के बाद भी डाल सकते हैं, इस तरह कटे हुए थोड़े से अदरक डाल देंगे तो और फ्रेश अदरक की जो खुशबू आती है वो आ जाएगी और फिर आपका आपकी डिश तैयार है, जो कि आप चावलों के साथ, बघारे हुए चावल के साथ, जीरा से बघारे हुए चावल के साथ, या बॉयल राइस के साथ, या फ्राइड राइस के साथ, बहुत अच्छा लगता है इसका कॉम्बिनेशन। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको खाया जाएगा। बजाकर ये देखें ये इस तरीके से इसको सर्व किया जाता है। एक तरफ मैंने सैलेड बनाया, नॉर्मल सैलेड है प्याज टमाटर और खीरे का, और ये अदहन के चावल जिसको कहते हैं बघारे चावल वो बनाया था, उसके साथ ये सालन जो मैंने बनाया था, ये चिकन जिंजर था, और ये चिकन जिंजर के साथ इस तरह से आप जो है सर्व करेंगे। और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इस चावल की जगह आप मटर चावल भी बना सकते हैं, प्लेन बॉयल राइस भी बना सकते हैं, और जिंजर वो जो जीरे का चावल जिसको कहते हैं वो राइस भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही हमारे बच्चों को पसंद है। तो होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, ज़रूर वीडियो देखें और शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें इंशाल्लाह ताला।